भागलपुर में मुहर्रम की 10वीं पर कोतवाली इलाके से तजिया निकाला गया। कोतवाली इमाम बाड़ा से पैकर 2:30 बजे के आसपास तजिया लेकर साजंगी के लिए रवाना हुए। वहीं काजवाली चक मार्ग और तारपुर चौक पर पैकरों का हुजूम देखा गया। इस दौरान अली आहसन सदा गूंजती रही। जुलूस में हजारों की संख्या में पैकर व आम लोग शामिल हुए। तजिया जुलूस तारपुर चौक मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए रेलवे संपार करते हुए साजंगी करवाला मैदान गया। इस दौरान शहर में तमाम जगहों पर पुलिस बल की मौजूदगी रही ताकि विधि व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रहे। साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से जुलूस की निगरानी ड्रोन एवं शहर में सीसीटीवी से की गई। सिटी डीएसपी ने बताया कि ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। उन्होंने कहा कि सभी मजहब के लोग आपसी एकता और भाईचारे के प्रतीक है। इसी दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि आज रात 9 बजे से विभिन्न मोहल्लों से अखाड़ा निकाला जाएगा और देर रात तक साजंगी में पहलाम सम्पन्न होगा। देखिए, ये मुहर्रम का महीना का आज 10वीं तारीख है और इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है जो 7 जुलाई के शाम में चांद निकलने से शुरू हुआ और आज 17 को 10वां दिन है और 10वां दिन ही हुसैन की शहादत हुई थी करबला के मैदान में। उनके याद में जो है उनका ये जुलूस निकाला जाता है और इसका अभी पहलाम सामने हो जाएगा। तो ये पैकर की जो व्यवस्था है ये सिर्फ भागलपुर शहर में है और यहीं के लोग पैकर बनते हैं और उसको पहलाम के लिए जाते हैं। जो दो जगह पर तजिया मुख्य रूप से बनता है, एक मियाँ साहब का मैदान मौलाना चौक और दूसरा कोतवाली चौक में, वो उधर से जाएगा हबीबपुर वाले रोड से, रोड से जरलाई रोड से, और ये इधर से जाएगा। दोनों वहाँ मिलकर पालाम करेगा जो तजिया आपके सामने सभी गुजरने वाला है। बाकी शेष अखाड़े देर शाम से सुबह तक आएंगे और वो पालाम करे जाएंगे। और कल सियापन दो कालम जुलूस। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित बसंतपुर महादेव स्थान में आज अनोखी शादी देखने को मिली। लोदीपुर गांव निवासी अजीत ठाकुर की सुपुत्री सोनी कुमारी के साथ मुंदी चक निवासी अशोक यादव के पुत्र अजय कुमार के साथ बसंतपुर महादेव मंदिर में शादी हुई। इससे पूर्व कई महीनों से दोनों प्रेमी युगल में प्रेम प्रसंग चल रहा था, परंतु वधु पक्ष से सभी सहमत थे लेकिन वर पक्ष से शादी को लेकर सभी अनभिज्ञ थे। लेकिन प्रेम प्रसंग इतना पलगार था कि दूल्हा बाबू ने अपनी प्रेमिका को सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु वर पक्ष से माताजी और छोटे भाई आग उगलते नजर आए। इस मौके पर लोदीपुर पंचायत के सरपंच स्वीटी कुमारी ने अपने समक्ष विधि विधान से शादी संपन्न कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत के रोजगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार व रोजगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर दोनों प्रेमी युगल की शादी अपने समक्ष संपन्न कराई। हालांकि अभी तक वर पक्ष के लोग काफी आक्रोश में है लेकिन प्रेम इतना पड़गार है कि दूल्हा बाबू अपनी वधू को साइकिल से लेकर विदा हो गए। इस मौके पर मुंदी चक से वार्ड पार्षद अमित कुमार टिंकल व अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं मानवाधिकार संगठन के अधिकारियों ने कहा कि लिखित रूप में दोनों पक्ष से आवेदन दिया गया है, आगे किसी भी तरह की कोई बात सामने आती है तो उस पर भी सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम? अजय जी। एक मिनट रुकिए। शादी जो आपने किया है, खुश है? प्रेम प्रसंग में शादी हुई है आपकी? गार्जियन आपके काफी अनवाइड है, क्या कहेंगे इस पे? पता नहीं। राजी खुशी शादी हो रही है, क्या नाम हुआ? खुशबू, खुश है ना? देखिए, एक प्रेम प्रसंग का मामला था। लोदीपुर की लड़की थी, मुंदी चक का लड़का, दोनों में आपस में प्रेम काफी दिनों से चल रहा था। दोनों बालिक थे, इसलिए दोनों ने अपना निर्णय ले लिया था कि हम दोनों को एक साथ जीवन व्यतीत करना है और मानव के अधिकारों की रक्षा करने हैं, तो हम लोग जिसके लिए तत्पर हैं, हमें ये उचित लगा कि दोनों को एक करा दिया जाए। इसलिए दोनों के परिवार को बुलाकर पूरे समाज के समक्ष मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई ताकि भविष्य में अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करें। आगे क्या लगता है, जीवन उसका खुशहाल रहेगा क्योंकि लड़का पक्ष की तरफ से काफ़ी इन्वाइट था उनके माता जी? देखिए, किसी भी परिवार के साथ ये होता है, बच्चे जब इस तरह से बातें करते हैं तो गार्जियन तो कुछ एनवाइड होते ही हैं, लेकिन अभी तक तो यही देखा गया है कि गार्जियन एनवाइड जरूर होते हैं लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं। सर, आपका? अजीत ठाकुर जी, आपकी बचिया की आज महादेव मंदिर में शादी देख रहे हैं? हाँ, शादी कर दिए, उसका राजी खुशी था, शादी कर दिए। अब शादी करने के बाद जो है हमको जो है बेटी से कोई मतलब नहीं। बेटी से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब। कहाँ जाएगी बेटी? बेटी जाएगी अपना, जिससे शादी किए हैं उसके साथ अपना। आप खुश हैं? हम भी खुश हैं। आप खुश हैं? प्रेम प्रसंग में शादी हुई है? प्रेम प्रसंग। वो आपका? योगेश कुमार। क्या कहेंगे आप, चट मंगनी पट ब्याह हो रही है महादेव मंदिर में? तो बहुत खराब लगा ये सब करके। हम एक भाई है, ठीक ना, ऐसा ना हो कि किसी के साथ में हो, ठीक ना,
हमको तो बहुत खराब लगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम भी राजी खुशी हो गए, गलत सब ठीक सब आया इसका, इसलिए हम शादी करा दिए। हम भी नाता इसे नहीं रखना चाहते, हम यही जानते हैं खुशी शादी कराए, मेरा बहन को खुश नहीं होना चाहिए कैसे भी। और क्या कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश कुमार। घर कहाँ हुआ? लोधीपुर ठाकुर टोला। क्या लगता है आपको, आपकी बहन खुश रहेगी उस घर में? 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आज से बांग्ला सावन की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम, सुल्तानगंज, उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर पैदल बाबा नाथ धाम के लिए जा रहे हैं। कई कांवरिया ढाई दिनों में जलार्पण करेंगे तो कई कांवरिया गुरु पूर्णिमा पर जलाभिषेक करेंगे। सोमवार को जलार्पण करने वाले कांवरिया 19 और 20 जुलाई को जल भरेंगे। कांवरियों में अभी से जोश देखा जा रहा है। इधर जिला प्रशासन की भी तैयारियां जोरों पर है। कांवरिया पथ पर बालू बिछा दिया गया है, इस रास्ते से लाखों कांवरिया वैद्यनाथ धाम में जलार्पण करेंगे। बांग्ला सावन का शुरुआत है, हमारे साथ हम लोग 15 आदमी हैं, सारे बंगाली हैं, और शनिचर को जल चढ़ाएंगे वहाँ। उसके बाद हम लोग फिर शनिचर को ही शाम को निकल जाएंगे और सोमवार को हम लोग पैदल चल के बासुकीनाथ में जल चढ़ाएंगे। हम लोग का मोटा मोटी अभी 27-28 साल। इस बार की व्यवस्था कैसी है? अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं सुल्तानगंज से चलना, तो कुछ कुछ जगह में रास्ता का मरम्मती हो चुकी है और कुछ कुछ जगह में बाकी है, लेकिन आगे हो जाएगा वो। काफी उत्साह है। एकदम। बाबा धाम जाने का बहुत उत्साह है। एक पूरे साल भर के इंतजार में हम लोग रहते हैं, कब वह समय आए कि हम लोग बाबा के नगरी में प्रवेश करें, बाबा को जलार्पण करें। जी काफी उत्साह, बहुत इतना उत्साह कि हम लोग समूह में एकदम, आज तो इस बार तो सावन से पहले ही हम लोग चल दिए, मतलब धैर्य खो गया था। हाँ, उसी के लिए तो सभी लोग जाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की मनोकामना ही रखते हैं लोग। हम लोग के साथ कम से कम 10 साल। और जी अतुट आस्था। जी अतुट आस्था, अतुट आस्था ईश्वर में, अतुट आस्था अभी से भी रखनी चाहिए लोगों को। व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था तो अभी फिलहाल शुरुआत है, लेकिन अब जैसे देखने को लग रहा है कि एकदम बेहतर ही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा व्यवस्था। कांवरिया पर तो कोई परेशानी? परेशानी तो अभी तक नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और बहुत बेहतर व्यवस्था हमको लग रहा है कि एकदम। सावन के पहले जा रहे अच्छे जलार्पण हो जाए। हाँ, अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर जिला अंतर्गत हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदघरा निवासी जितेंद्र कुमार जीतू का पुत्र सुमित कुमार अपने परिजन संग गंगा स्नान करने बूढ़ानाथ घाट आए थे। वर्ष में एक बार गोबंधी त्योहार को लेकर युवक गंगा स्नान करने आए थे। सूत्रों के अनुसार पता चला कि पैर फिसलने के कारण वह युवक गंगा की तेज धार में विलीन हो गया। स्थानीय लोगों व गोताखोरों की मदद से शंकरपुर डेरा व गंगा घाट में काफी खोजबीन की गई, परंतु युवक का डूबा मृत शरीर कहीं नहीं मिला। वहीं आज दोपहर मृत शरीर गंगा से अपने आप बाहर आ गया। बताते चले कि युवक पढ़ाई लिखाई के साथ मजदूरी कर अपना जीविकोपार्जन करता था। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। बहरहाल युवक का मृत शरीर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। 8:30 बजे गंगा स्नान के दौरान अचानक किसी तरफ जो है ना वो दिख गया। कहाँ पर? यही आगे में जो है क्या शंकर दियारा जो है शंकरपुर दियारा उसी गंगा नदी में। हाँ गांव से जो है ना गांव में 12 मास का पूजा होता है प्रत्येक साल, उसी में जो है ना गंगा स्नान के लिए आया हुआ था। उसी क्रम में नहाने के क्रम में ऐसा हुआ, डूब गया। क्या नाम था? सुमित कुमार। कहाँ से? सतघरा हुआ हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार जीतू। आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सुमन हुआ।